धौलपुर मंगलवार सुबह सैपऊ कस्बे के एनएच 123 पर बाईपास स्थित मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार को सामने से आ रही इको गाड़ी के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और नीचे कच्चे रास्ते पर कार ने दो बार पलटी खाई। दुर्घटना में कार में बैठे महिला पुरुष एवं बच्चों समेत 9 जन घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया। 4 घायलों की गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक धौलपुर शहर निवासी विपिन गर्ग पुत्र रामदास गर्ग परिवार समेत कार में सवार होकर मंगलवार को मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने जा रहा था। सैपऊ बाईपास पर नहर की पुलिया के नजदीक भरतपुर की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही इको गाड़ी के चालक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे कार चालक का संतुलन बिगड़ गया और कच्चे रास्ते पर गाड़ी उतर गई। तेज रफ्तार होने की वजह से कार ने दो बार पलटी खाई। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास के ग्रामीण हादसे को देखकर मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने घटना की सूचना पुलिस को देकर कार के अंदर फंसे घायलों को बाहर निकाला। दुर्घटना में विपिन गर्ग समेत रुचि गर्ग, पत्नी विपिन गर्ग, मीता गर्ग, भूमिका गर्ग, काना गर्ग, शैली गर्ग एवं कार चालक मनीष गर्ग घायल हो गया। ग्रामीणों द्वारा एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सैपऊ राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। 4 घायलों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर किया है। दुर्घटना को लेकर हेड कांस्टेबल गोपाल सिंह सिकरवार ने बताया, तेज रफ्तार की वजह से कार बेकाबू होकर पलटी है। हादसे के कारणों की पुलिस जांच कर रही है। मैं आपका मेरा नाम पुनीत शर्मा, ईएमटी पुनीत शर्मा और पायलट सनी तिवारी। क्या घटना हुई है? यह घटना हुई थी, एक कोई कार पलट गई थी सैपऊ के पास, तो जहाँ 108 से कॉल आया हमारे लिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ मौके पर पहुँचे और जिसमें 3-4 बच्चे और 2-3 महिला और पुरुष हैं, तो उन्हें गंभीर हालत में पड़ा हुआ मिला। उनको वहाँ से लेके सीएससी सैपऊ वहाँ से रेफर किया, यहाँ धौलपुर शिफ्ट करा दिया। करीब कितने जने होंगे घायल? लगभग 9 जने हैं।